अपना जीवन बचाने के लिए अधिक से अधिक लगाए पेड़। मोचावई में विधायक ने किया पौधारोपण। ग्राम सभा की जमीन पर 200 से अधिक लगाए गए पौधे। अगर हमें जीवित रहना है तो हमें अधिक से अधिक पौधारोपण कर उन्हें जिंदा रखने की जरूरत है। उक्त संबोधन सोमवार को फतेहाबाद के गांव मोचावई में क्षेत्रीय विधायक छोटे लाल वर्मा ने व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य बचाना है तो अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस समय ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि वृक्ष ही हमें जीवन देते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो अधिक ऑक्सीजन देते हों, साथ ही छायादार और फलदार हों, जिससे लोगों को आते जाते समय छाया मिल सके और पक्षियों को बसेरा के साथ साथ भोजन की व्यवस्था हो सके। इससे पक्षियों की संख्या में इजाफा होगा। इस कार्य में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। वहीं SDM विजय शर्मा ने कहा कि हमारी पृथ्वी का तापमान को कम करने का कार्य वृक्ष करते हैं। जितनी ज्यादा हरियाली होगी तो वर्षा की कमी नहीं होगी। प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी उचित देखरेख करनी चाहिए। वहीं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर KC लोधी ने कहा कि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पेड़ों से हमें प्राण वायु मिलती है और पक्षियों को बसेरा मिलता है। इस अवसर पर वन क्षेत्राधिकारी विशाल सिंह राठौर ने बताया कि रविवार को मोचावई में 200 पौधों का रोपण किया गया है। उप वन क्षेत्राधिकारी सिकंदर लोधी, नायब तहसीलदार प्रमोद कुमार, ग्राम प्रधान पति मनोज कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी राम विलास कुशवाहा, सुधीर कांत वनवित, प्रताप सिंह, लवदीप शर्मा आदि मौजूद रहे। सबके तहत किस तरह का आयोजन किया गया? आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष 35 करोड़ वृक्षारोपण के अंतर्गत वन विभाग द्वारा फतेहाबाद रैंप के अंतर्गत मोटावई चरागाह की भूमि हमको उपलब्ध कराई गई थी। उस पर वृक्षारोपण करने हेतु आज उनके अध्यक्षता में हमारे विधानसभा फतेहाबाद क्षेत्र के माननीय विधायक जी श्री छोटेलाल वर्मा की अध्यक्षता में वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। और इस अवसर पर उन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकाल करके वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और एक बरगद का पौधे को रोपण करते हुए वृक्षारोपण का शुभारम्भ किया। कितने पौधों का रोपण किया गया है? आज जो हमने वृक्षारोपण के क्षेत्र चयनित किया है उसमें 3000 पौधे का रोपण किया जाएगा, जिसमें आज लगभग 200 पौधों का रोपण का शुभारम्भ किया गया है। अग्रिम जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य की डेट निर्धारित होगी, उस दिन एक ही दिन में सारे वृक्षारोपण सारे पौधों का उस क्षेत्र में वृक्षारोपण का किया जाएगा।